सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा भेजी जाने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का है ये फोर्थ पार्ट। तीन पार्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ और वहाँ पर मैंने आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो एक लास्ट वीडियो और ले लेते हैं, मिक्स रेशियो टाइप के क्वेश्चन, मिक्स रेशियो टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी टाइम एंड वर्क की अभी और वीडियो आएंगे, चार पांच वीडियो और बनेंगे, क्योंकि अभी टाइम एंड वर्क जो मेन टाइम एंड वर्क है वो अभी हमारा रह जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि एक टाइप के क्वेश्चन रह जाते हैं तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फोर मैन एंड सिक्स वोमैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, टू मैन एंड नाइन वोमैन आल्सो कंप्लीट इन 8 days, द नंबर ऑफ डेज इन विच 18 वोमैन कंप्लीट द वर्क इज। चार पुरुष तथा 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं और 2 पुरुष तथा 9 महिलाएं भी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 18 महिलाएं काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए क्या है कि 4 पुरुष 4M प्लस 6W 6 वोमैन कितने डेज में, 8 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरी कंडीशन दी हुई है, 2 पुरुष यानी कि 2M 2 मैन एंड 9 वोमैन, ठीक, ये कंप्लीट कर रहे हैं 8 डेज में, ये भी 8 डेज में, ठीक है। तो 8 डेज में ये कंप्लीट कर रहे हैं, 8 डेज में ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहां पर 1 डे अगर वर्क निकालना हो तो 8 से हमें यहां पर मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि 8 चौक 32 M प्लस 8 सिंग 48 W और बराबर हो जाएगा 1 डे के, ठीक है। एक दिन में इतना काम कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही अगर यहां देखें 8 दूनी 16 M प्लस 8 निम 72 W तो ये भी 1 डे वर्क के बराबर हो जाएगा, यानी कि एक दिन में काम करने के लिए यहां पर 32 आदमी और 48 महिलाएं चाहिए और यहां पर 16 आदमी और 72 महिलाएं चाहिए एक दिन में काम को कंप्लीट करने के लिए। ये भी एक दिन के बराबर है, ये भी एक दिन के बराबर है, तो इन दोनों की वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं तो हमारा हो जाएगा 32M प्लस 48W बराबर 16M प्लस 72W। अब 16M को इधर लेकर जाएंगे, 48W को उधर, तो 32 माइनस 16 यानी कि 16M और 72 माइनस 48 यानी कि 24W, तो ये हो जाएगा 8 दुनी 16 8 3 24, तो 2M इज इक्वल टू हो जाएगा 3W, यानी कि 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर काम कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब क्वेश्चन को आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन से कर लीजिए, चाहे सेकंड इक्वेशन से कर लीजिए, दोनों से ही हो जाएगा। मान लीजिए हमने फर्स्ट से किया कि 4 आदमी और 6 महिलाएं 8 दिन, 2 आदमी 9 महिलाएं या 8 दिन, फर्स्ट से कर लो सेकंड से कर लो एक ही बात है, ठीक है। अब सेकंड से करते हैं, मान लीजिए 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर है, तो 3 तो ये हो गए, 2 आदमी को 3 महिलाओं में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 3 तो ये हो गए, 3 और 9 12 कर रहे हैं 8 दिन में, ठीक है। 2 महिलाएं 3 के बराबर, तो 3 हमने यहाँ रखा, 3 और 9 12 कर रहे हैं 8 दिन में। और पूछा क्या है कि 18 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, तो 18 × D, ठीक है, 6 दुनी 12 6 3 18, तो D बराबर हो जाएगा 8 दुनी 16 16 बटे 3, जो कि हो जाएगा 5 सही 1/3 दिन। तो 5 सही 1/3 5 1/3 days में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। आगे चलते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन है कि 2 men and 3 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, वाइल 3 men and 2 boys कैन डू द सेम वर्क इन 8 days, इन हाउ मेनी डेज कैन डू 2 men and 1 boy द वर्क। 2 पुरुष तथा 3 लड़के किसी काम को 10 दिनों में, जबकि 3 पुरुष तथा 2 लड़के उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष तथा 1 लड़के कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। अब यहां पर कंडीशन दी हुई है 2 आदमी, ठीक है, और 3 boys कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 10 डेज में, तो 10 डेज का, तो 1 डे वर्क निकालेंगे तो कितना होगा, 20M 30B = 1 डे, ठीक। और
वैसे ही यहाँ पर दूसरी साइड दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि तीन पुरुष और दो लड़के 8 दिन में, तो 8 दिन के हिसाब से एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना होगा, 8 + 24 डायरेक्टली रख लेते हैं, 24m प्लस और 8 × 16 b, और ये बराबर हो जाएगा 1 डे के, ठीक है। तो यहाँ भी ये दोनों 1 डे वर्क के बराबर हो जाते हैं, दोनों को एक दूसरे इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, 20m + 30b = 24m + 16b, 24 एक साइड में चला जाएगा, ठीक है, एम एम एक साइड में और बी बी एक साइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये इधर जाएगा तो 4m और ये इधर होगा तो 14b, यानी कि दो आदमी 2 × 4 = 2 × 7 = 14, 7 लड़कों के बराबर काम कर लेते हैं, दो आदमी 7 लड़कों के बराबर काम कर लेते हैं। अब यहां पर अगर देखें तो पूछा क्या है, दो पुरुष और एक लड़के कितने दिन में करेंगे, तो फर्स्ट से कर लीजिए, ठीक है। अब दो को कन्वर्ट करना है 7b में, तो दो की जगह हम क्या रखेंगे, 7b और 3b, यानी कि 10 लड़के हो गए, 10 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। पूछा क्या है कि दो आदमी, दो पुरुष तथा एक लड़का, तो दो पुरुष का मतलब 7 और एक लड़का और दिया हुआ है, तो टोटल कितने हो गए, 8 × d, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 4 × 5 = 10, तो यहां पर d बराबर आ जाएगा 5 × 5 = 25/2, तो d बराबर हो गया 12.5, 12.5 days में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से 12.5 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आप इस आसान से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि इफ 40 men और 60 women और 80 children कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 months, देन 10 men, 10 women एंड 10 children टुगेदर डू हाफ ऑफ द वर्क इन, यदि 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी काम को 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 पुरुष 10 महिलाएं तथा 10 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब इसमें करना क्या है, देखिए ध्यान देंगे, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था, ठीक। अब इसमें पूछा कि आधे काम को कितने समय में पूछेंगे, वो आधा हमसे पूछ सकता है, चौथाई पूछ सकता है, 1/4 पूछ सकता है, 3/4 पूछ सकता है, ठीक है। तो करने का तरीका बिल्कुल सेम जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपनी बताया था, ठीक। दोगुना काम पूछा जा सकता है, 3 गुना काम, तो हमें क्या रखना है, सबसे पहले टाइम ही निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमें देखिए ये है 40, 60, 80 हमें दिया हुआ है, कितने दिन में कर रहे हैं, 6 महीने में, और हमसे पूछा 10 पुरुष 10 महिलाएं 10 बच्चे कितने दिन में करेंगे, तो जो पहला वाला टाइम है 6 महीने उसको रखेंगे, प्लस अब वाले पुरुष 10, पहले कितने थे 40, अब वाली महिलाएं 10, पहले कितनी थी 60, लड़के कितने हैं 10, पहले कितने थे 80, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, और टी बराबर 6/LCM हो जाएगा 24, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 × 24 6 × 6, 6 × 24 8 + 24, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा 6 × 24 तो ऊपर चला जाएगा, 6 × 4 = 10 × 3 = 13, ठीक है। 6 × 24 / 13 क्या आ जाएगा, कंप्लीट वर्क आ जाएगा, कंप्लीट वर्क आ जाएगा, एक काम आ जाएगा, हमसे पूछा है आधा काम, अगर आधा काम पूछा है तो यहां पर 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना काम पूछा जाए 2 गुना पूछा जाएगा, 2 की गुणा कर देंगे, 3 गुना पूछा जाएगा, 3 की गुणा कर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 72/13, तो 13 × 65 बचेगा 7, तो 5 सही 7/13 दिन आंसर आ जाएगा। तो इस आसान से तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। किसी भी टाइप का पूछ लिया जाए तो आप लास्ट में पहले तो पूरा ही काम निकाल दीजिए, उसमें उतने ही की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुना 3 गुना 4 गुना आधा चौथा चौथाई पौना जो भी पूछा है वो सब आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पर। 4th क्वेश्चन है हमारा कि ए मैन ए वोमैन एंड ए बॉय टूगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, इफ ए मैन एंड ए वोमैन कैन डू द वर्क इन 10 and 24 days रेस्पेक्टिवली, द डेज टेकन बाई ए बॉय टू फिनिश द वर्क इज, एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि एक पुरुष तथा एक स्त्री काम को क्रमशः 10 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो लड़का कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा।
अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें टोटल वर्क दिया हुआ है कि एक एक कितने दिन में कंप्लीट कर दिया उन्होंने, 6 दिन में, और पुरुष और स्त्री के काम को भी दिया हुआ है। तो इसमें वन डे वर्क के हिसाब से कर लेंगे, यानी कि पुरुष कर रहा है 1 दिन में 1/10 काम, महिला कर रही है 1 दिन में 1/24 काम, और लड़के का नहीं दिया तो उसको हम 1/x रख देंगे और टोटल वर्क 1/6 के बराबर रखेंगे। तो 1/10 प्लस 1/24 प्लस 1/x बराबर टोटल उन्होंने 1 दिन में 1/6 काम किया। 1/x निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, 1/6 ये सब माइनस में चला जाएगा, 1/10 माइनस 1/24 तो कितना हो जाएगा, 1/x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे एलसीएम 24, 6 चौक 24 माइनस, और सॉरी 24 तो एलसीएम नहीं होगा ना, 10 भी तो है, तो यहां पर एलसीएम ले लेंगे आप 120, ठीक है। तो 6 से 20 बार में और 10 से 12 बार में और माइनस 24 से 5 बार में, तो ये आ जाएगा आपका 20 माइनस 12 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस का 17, तो 20 माइनस 17 यानी कि 3/120, 3 × 3 और ये हो जाएगा 40 बार में, तो 1/x आपके पास आ गया 1/40, तो x का मान यहां पर क्या आएगा, 40 40 डेज आंसर आ जाएगा, समझ में आया। तो यानी कि लड़का अगर अकेला काम करे, एक लड़का उस काम को 40 दिन में कंप्लीट कर देगा, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 5 उसे देख लेते हैं, क्वेश्चन को तो नोट कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन है कि 2 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर अथवा 4 आदमी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 3 आदमी तथा 3 औरतें मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब हमें दिया हुआ है कि 2 आदमी और 3 औरतें, या तो इनको काम पर लगाया जाए या अकेले 4 आदमियों को काम पर लगाया जाए, यानी कि इनकी काम करने की जो कैपेसिटी है 2 आदमी और 3 औरतों के बराबर है 4 आदमियों के, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो 3W बराबर हो जाएगा 2MK, यानी कि 3 महिलाएं 2 आदमियों के बराबर काम कर सकती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को उठाते हैं हम कहां से, सेकंड वाली लाइन से, कि अथवा वाले, अथवा के बाद से, यानी कि 4 आदमी काम को कर रहे हैं 20 दिन में, तो हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया यहां से कि 4 आदमी तो कर रहे हैं काम को 20 दिन में, पूछा हमसे क्या गया है, पूछा गया है कि 3 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 3 आदमी तो वो दिए गए हैं और 3 औरतों को हमने कन्वर्ट किया आदमियों में, तो 3 औरतें कितने दिन में करेंगी, यानी कि 3 आदमी तो दिए हुए हैं और 3 औरतें 2 के बराबर हो जाएंगे, 2 यहां पर रखेंगे इंटू डी, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, 5 चौक 20 और डी बराबर आ जाएगा 4 चौक 16, 16 डेज हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो कि हमसे पूछा है कि 3 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर जाएंगे, 16 डेज में काम को कंप्लीट कर जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये थे मिक्स रेशियो के टाइम एंड वर्क पार्ट के ही क्वेश्चन, जिसमें कि 2 क्वेश्चन तो हमारे रह गए थे, बाकी क्वेश्चन प्रॉब्लम में स्टूडेंट ने पूछे थे कमेंट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, तो मैंने इस वीडियो में वो शामिल कर लिए हैं। तो मेरी तरफ से तो ये टॉपिक जो टाइम एंड वर्क का मिक्स रेशियो वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी टाइम एंड वर्क बाकी बचा है, जो राम श्याम घनश्याम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें काम छोड़कर चला जाता है और काम में शामिल हो जाता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम आगे लेकर चलेंगे अपनी आने वाली वीडियोज में। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में बताई हुई सभी ट्रिक्स आपके समझ में आए होंगी, सभी मेथड्स आपके समझ में आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे जाने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।